हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्राइवेसी पॉलिसी आप अपने एप्लीकेशन के लिए कैसे जेनरेट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे टाइप करेंगे प्राइवेसी पॉलिसी फॉर ऐप। करने के बाद यहाँ पे आपका जो लिंक है यहाँ से ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे स्क्रॉल बार डाउन करना है, यहाँ पे जो URL है इस पर ओपन कर लेना है इसको, जो कि ऐप प्राइवेसी पॉलिसी जेनरेटर डॉट फायर ऐप फायरबेस ऐप डॉट कॉम का एक वेबसाइट है, यहाँ से ओपन हो जाएगा। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से भी डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। इसके बाद से आप देख सकते हैं यहाँ से ओपन हो जाती है साइट इसकी। और यहाँ से जो एप्लीकेशन का नेम है, तो जो भी आपका नया ऐप का नेम है यहाँ पे इंटर कर देना है। और यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, यानी कि ईमेल आईडी है, यहाँ पे ईमेल आईडी ऐड कर देना है। बाकी सारे जो डिटेल है यहाँ से हमें फिलअप करना है। तो चलिए अब हम इसको फिलअप करते हैं। इसके बाद से हमारा जो प्राइवेसी पॉलिसी और यहाँ पे जो डिस्क्लेमर है दोनों यहाँ से हमारा जनरेट होके आ जाएगा। तो फिलहाल हम यहाँ से जो ऐप है, तो मेरा ऐप फ्री टाइप है, फ्री टाइप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे मोबाइल OS है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का आपका है, लाइक यहाँ पे एंड्रॉयड iOS सबके लिए यहाँ पे एप्लीकेबल है, ठीक है। तो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको अपने डेवलपर का नेम जो भी आपका हो वो यहाँ से आपको ऐड कर लेना है। और यहाँ पे जो ऐप का नेम है, तो ऐप का नेम भी मैंने इंटर कर दिया। सारा इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। और इसके बाद से इस एप्लीकेशन में कौन कौन सी सर्विसेज यूज़ किया गया है वो सारी सर्विसेज यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो मेरे में वन सिग्नल भी है, तो इसको भी यहाँ से हम ऐड कर लेंगे। और उसके बाद से यहाँ पे हमें यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। बाकी भी यहाँ पे बहुत सारे सर्विसेज आप इसको रीड कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे नेक्स्ट पे जाएंगे, यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे डिप्लॉय टू फ्लाई यहाँ पे जो भी लिखा है, ठीक है, तो यहाँ से आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको जो भी ईमेल आईडी है, आपको यहाँ पे एक ईमेल आईडी ऐड करना पड़ेगा, जो कि यूनिक ईमेल आईडी चाहिए होता है। और यहाँ पे आपको बता दें कि जो भी कोई एप्लीकेशन आप क्रिएट करेंगे उसमें आपका एक यूनिक ईमेल आईडी लगेगा, और उसके बाद से इसमें आप इंटर करेंगे तो यहाँ पे ऐड हो पाएगा, तभी आपका जो URL है यहाँ से जेनरेट होके आता है। तो यहाँ से हमारा ओपन हो रहा है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इंटर अ वैलिड ईमेल आईडी। ईमेल आईडी यहाँ से मैंने ऐड कर दिया। और इसका जो पासवर्ड है, कोई भी पासवर्ड आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो अगर इस ईमेल आईडी से पहले से कोई भी यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट किया गया है तो यहाँ पे जनरेट नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पे आपको यूनिक ईमेल आईडी ऐड करना है। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ से आप देख सकते हैं प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पे हमारा जो प्राइवेसी पॉलिसी और जो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन का जो URL है यहाँ से जनरेट होके आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं प्राइवेसी एंड टर्म्स से डिप्लॉयड, ये दोनों URL यहाँ से हमारा जनरेट होके आ गया। इस तरह से बहुत ईजी तरीके से आप यहाँ से प्राइवेसी पॉलिसी और यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन का जो पेज है यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन के लिए। तो इन दोनों को मैंने जैसे ओपन किया, ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं इसका URL भी आप यूज कर सकते हैं। और इसमें भी जो भी पोस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो भी यहाँ पे है सारे पार्ट, आप इसको ओपन करके भी चेक कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। इस तरह से बहुत ईजी तरीके से आपका कोई भी एप्लीकेशन होगा, या फिर एंड्रॉयड का हो, या फिर iOS का हो, या फिर यूनिटी, या फिर जो भी हो, उन सब के लिए ये जो वेबसाइट है यहाँ पे एप्लीकेबल है। और यहाँ से बहुत ईजी तरीके से आप प्राइवेसी पॉलिसी अपने एप्लीकेशन के लिए जेनरेट कर लेंगे। होप सो कि आपको सारे स्टेप्स क्लियर समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।